अभी तक जो देखा गया है लक्षण बिल्कुल वैसे ही है, वायरस वही है, COVID-19 ही वायरस है, म्यूटेट कर किया हुआ है उसने, और वो म्यूटेशन हम पिछले कई महीनों में देख रहे हैं। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो ये वायरस महीने में एक दो दफा म्यूटेट करता ही है, लेकिन इस दफा म्यूटेशन का इसलिए कंसर्न है क्योंकि यूके अथॉरिटीज ने ये पाया कि जहां पे ये म्यूटेशन हुआ है वहां पे केसेस एकदम बढ़े हैं और इन्फेक्शियस इसलिए ये ज्यादा स्ट्रेन लगता है, लेकिन मोर्टैलिटी या हॉस्पिटल एडमिशन ज़्यादा नहीं है। तो ये वायरस जो है ये अपने आप को चेंज करता रहता है, म्यूटेट करता रहता है, क्योंकि वायरस अपनी तरफ से भी सर्वाइव करने की कोशिश या फैलने की कोशिश करता है, तो ये उसी का एक सॉर्ट ऑफ स्टेप है। टेस्ट बिल्कुल वैसे होंगे, आरटीपीसीआर टेस्ट वैसे ही होगा, उसी से पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नहीं, लेकिन ये पता करने के लिए कि ये एक नया वेरिएंट है नहीं, उसके लिए हमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए कई हद तक कई लैब्स ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं। तो कुछ सैंपल जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उनका लेके हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग करके देख भी सकते हैं कि ये जो नया वेरिएंट है ये हमारे देश में है या नहीं है। अगर म्यूटेशन भी हुआ तो वैक्सीन को मॉडिफाई किया जा सकता है जिससे वो इफेक्टिव रहे और तब भी लोगों को प्रोटेक्शन दे।